हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सहिता और आप सबको खूब 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 सारा प्यार है और तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हो, इतना ज़्यादा केयर करते हो। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से, है ना। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों के केयर्स, आप लोगों का प्यार वो दिखता है। आप लोग जो इतने सारे कमेंट्स करते हो मुझे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा पढ़ूँ, है ना, सारे को रिप्लाई दूँ ना दूँ, बट मैं एटलीस्ट पढ़ूँ। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट बहुत टाइम ये होता है ना, तबीयत थोड़ी सी अप डाउन चलती रहती है। मैं चलो, और आपको आज वाला जो व्लॉग होगा वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज क्या है। आज वाले व्लॉग में स्पेशली जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है मेरी एज को लेके, तो वो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ। हम किसी को मोटापे को लेके या उसको लेके हम उसकी जज नहीं कर सकते हैं। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका बेटा इतना बड़ा है, आप ये दिखती हो, आप वो दिखती हो, तो डेफ़िनेटली आज वाले ब्लॉग में आप एंड तक बने रहना, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी मेरी एज, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा ही होता है ना। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो कोई ना, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम यूट्यूबर हैं, डेफिनेटली आप लोगों की बातें हमको सुननी होती है। आप लोगों ने ही इतना प्यार दिया है, तो कोई ना, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप खुश रहा करो, ये जो कमेंट्स आते हैं उनको इग्नोर किया करो, तो डेफिनेटली मैं इग्नोर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं माइंड में, दिल में ऐसा कुछ लेके रखती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, यह भी दुनिया है, यह भी लाइफ है, तो होता रहता है। बट सबसे मेन ज़रूरी बात क्या होती है कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना यार, ऐसा कुछ भी उठ के मत बोला करो। तो इस मैटर में हम डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना, क्रेविंग एक वर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है ना। और मैं आज मतलब क्या ही बताऊं कि मुझे उस चीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स थी, इतनी ज़्यादा। बट मुझे खाना घर का है वो, है ना। अब मम्मी या फिर ननद या फिर जिठानी या अम्मा, ये लोग कोई होते ना, तो मुझे नहीं करना पड़ता कुछ भी। आप सबको पता है कि वो लोग मुझे ऐसे रखते हैं, है ना, हाथों पे रखते हैं, सब कोई बहुत प्यार करते हैं मुझे। ये तो मैं ब्लेस्ड हूँ, कसम से बोलूँगी। चाहे मेरे हस्बैंड की तरफ से ले लो, चाहे मेरे बेटे की तरफ से ले लो, चाहे मेरे ससुराल फैमिली की तरफ से ले लो, चाहे मेरे पियर फैमिली की तरफ से ले लो, सब कोई मुझे बहुत प्यार करते हैं, सबको एकदम पलकों में रखते हैं। और डे वन से, आज से नहीं है, डे वन से है। तो मैंने जब उन लोगों को बोला ना कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है, तो सबके ऐसे मुंह उतर गए कि यार तू यहाँ होती तो मैं तुझे खिला देती। और ये जो आप मेरी ये सांस की प्रॉब्लम देख रहे हो, ये सांस की प्रॉब्लम ना होती है, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती हूँ, मेरी सांस में प्रॉब्लम रहेगी। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, डॉक्टर ने बोला ये अब आपके 9 मंथ्स तक आपके साथ ये गाड़ी चलती रहेगी। तो इट्स ओके, खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं हम। और जिस चीज़ की मुझे क्रेविंग्स हो रही है उसको मैं आज बनाऊँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और सबसे मेन बात, वो मुझे मेरी एक प्यारी सी फैन ने उसकी रेसिपी शेयर की थी इंस्टाग्राम पे वाया DM, है ना। मतलब उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको अगर ये चीज़ करनी हो ना, क्योंकि सिंगल रहते हैं हम घर में, मेरे घर में कुक रखी हुई है बट उसको ये नहीं आता है, तो बहुत सारे काम और भी रहते हैं, वो तो एज ए एक टाइम पीरियड में वो आती है और वो चली जाती हैं, है ना। और काम दिन भर में बहुत सारे होते हैं। तो सुबह हो गई, मैंने पूजा वूजा कर ली, मेरा वही रूटीन है, नींद से उठ के नहा धो के कपड़े धो के पूजा करके फिर मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। और पूजा इसीलिए अब मैंने शुरू कर दी क्योंकि भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है मुझे और मेरी छोटू बेबू दोनों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए हैं। अब हम चलते हैं किचन में और आप लोग बताना कि कैसा लगा, क्या होगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ शुरू करने से पहले, कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो आप लोग डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, एक बार मेरे कहने से वो रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, है ना। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये इतनी क्विक रेसिपी है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएगा, कसम से बोलते दिल खुश। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं अब थोड़े हमारे किचन की तरफ। हाँ, लाइट आ गई। आपको पता, सुबह से लाइट नहीं थी आज, सुबह से मैंने ना तो जूस पिया ना मैंने कुछ किया, तो फाइनली लाइट आई है। अब हम चलते हैं किचन में, किचन में जाके। तो आपको मैं बताऊँ, वो स्टार्ट करने से पहले ना मेरी जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो मैं जूस बनाती हूँ मेरे लिए सारा, वो दीदी काट कुटा के रेडी करके जाती है, फिर जूस मुझे बनाना होता है ना। तो जूस तो बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी हेल्दी डाइट लेना भी ज़रूरी है। मैंने ये सुन रखा है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जितना अच्छा खाना खाओगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा खुशबू लोगे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे, आपके बच्चे पे भी उतनी ही अच्छी अच्छी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो मैं ये चीज़ें बहुत मानती हूँ। बाकी आप लोग अगर बोलोगे तो मैं मेरे पूरे दिन का रूटीन बताऊँगी। आप लोग सोच भी नहीं सकोगे कि यार दीदी आप इतनी
हिंदी साइड में हूँ मैं, पूजा पाठ नियम कानून सारी चीज़ें जो चीज़ें जैसी करनी चाहिए मैं वैसे ही करती हूँ। कोई बड़ा नहीं है मेरे पास, सबके पास कोई ना कोई बड़ा रहता है ना, वो उन लोगों का केयर करते हैं, सब करते हैं। बट मुझे लगता है यार मुझे मेरी केयर करनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं खुद कर लेती हूँ। ये है मेरा जूस जो कि कैसे बनता है अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर इसका रेसिपी बताऊंगी, है ना। ये जूस बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है। ये एक्चुअली क्या है, मेरे हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है तो डॉक्टर ने थोड़ा सा पहले से ही मुझे अलर्ट रहने का बोला हुआ है। सो इसीलिए घर वालों ने सब ने यही बोला है कि ये वाला जूस पियो। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे जैसी किसी की हालत रहती है और उनको भी यही रहता है तो ये हेल्दी जूस की रेसिपी अगर आप बोलोगे ना, मैं डेफिनेटली इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सो ये मैं पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी रेसिपी शूट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, है ना। सो वो है इंस्टेंट गाजर का हलवा। हाँ जी बिल्कुल, और मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाजर का हलवा सबसे ज़्यादा पसंद है। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना घर का ही खाना पसंद है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मुझे बाहर की चीज़ों से एक महक सी आती है तो मुझे वो नहीं पसंद है। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, फिर मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने ये वाली रेसिपी बताई, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टकट है, एकदम ईजी टू कुक है, कोई भी बना सकता है। और मेरे जैसी अगर सिंगल लेडी हो घर पे हेल्पर अभी जैसे मेरे नहीं हो पा रहा है तो आप लोग आराम से बना सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ उसकी, है ना। बहुत ही ईजी है। आपको चाहिए एक कुकर, है ना, वॉश किया हुआ कुकर ले लेना। यहाँ पे मैं कुकर को चढ़ा देती हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। घी थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूंगी ताकि कुक अच्छे से हो जाए एकदम, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ घी। मैं डाल रही हूँ घी, घी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, ठीक है। मेरे हाथों से गिर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, तो मेरा काम भी बढ़ गया। गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये सारे कटे छीले हुए गाजर, ठीक है। मैंने इसको सारों गाजर को ना एकदम अच्छे से धो के छील के काट के रख दिए थे। अब ये बड़ा वाला चम्मच मैंने ले लिया, इससे मैं अच्छे से मिला पाऊंगी। तो अब इससे मुझे कम से कम 10 मिनट तक एकदम अच्छे से इसको पकाना है। ये देखिए एकदम अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पक जाए, तब तक हिलाते रहना है एकदम अच्छे से। इसके बाद इस हलवे में क्या है, इसमें आपको अलग से घिसना नहीं पड़ेगा, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं घी में इसको भूंज लूँगी, तब गाजर थोड़ी सी सिक जाएगी एकदम अच्छे से। और आप देखना, आप घर पर ट्राई करोगे ना, आप मुझे बोलोगे दीदी वाओ रेसिपी है ये, वाओ चुटकियों में बनने वाली है गाजर का हलवा। 10 मिनट हो गया इसको भूनते हुए, अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो आप इसमें दूध कच्चा भी डाल सकते हो, आप इसमें मलाई वाला भी दूध डाल सकते हो, बट मैं क्या करूँगी, मैं ये 2 पैकेट अमूल ताजा के दूध डालूंगी, ठीक है। कट किया और ये डाला। हाँ जी बिल्कुल सही देख रहे हो, आपको ऐसे कच्चे दूध ही आप आराम से इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखना मैं क्या करती हूँ, अब ये वाला पैकेट और है वो भी कट करके डालती हूँ। दोनों पैकेट दूध का डाल लिया है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ दूंगी। 2 सीटी आना, गैस फुल में ही आपको सिर्फ 2 सीटी इसको लानी है, ठीक है। तो इसमें से आ गई है 2 सीटियाँ, अब हम इसको खोल लेते हैं। फिर से इसको गैस ऑन करना है और अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ठीक है। और आपको फुल गैस में या गैस कमती करके, मतलब धीमी आंच में जैसे भी आपको पकाना होगा वैसे पका सकते हो आप। थोड़ी देर और पकाओगे उसके बाद तब तक ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसको कुछ देर पकाएंगे हम तब तक ये दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, गैस फुल में ही पका लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसकी मदद से सारे गाजर्स को एकदम अच्छा सा पीस देंगे, है ना। गैस को थोड़ा सा धीमे कर दिया क्योंकि मेरी
हाथ नहीं जले, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो सारा का सारा मैंने गाजर को एकदम अच्छे से पीस दिया है और आप देखना एंड क्या हलवा बनेगा। पकने देंगे बट साथ में हम इसके चीनी और इलायची का पाउडर भी ऐड कर देंगे, है ना, ताकि खुशबू अच्छी आए। ये देखो एकदम अच्छे से मैश हो गया है ना। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप डाल लेना, है ना। तो मैं डाल देती हूँ चीनी। तो हमारा हलवा रेडी है, देखा कुछ नहीं करना पड़ा ना। और आपको पता है जब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती है ना, तब ऐसा लगता है वही चीज़ खानी है, मतलब वही चीज़ खानी है। और मुझे ना मतलब गाजर का हलवा इतना 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 ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, और पसंद भी घर का है। तो फिर ये वाली जो रेसिपी देखी ना, तो मैं अपने आप को ना रोक ही नहीं पाई बनाने के लिए। लगा ये तो मैं बना ही लूँगी। जेठू जी ने बहुत मना किया था, मत कर तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि कल भी ना शाम को मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था। मैंने ओके, जब खाने का मन हो तो खाना तो पड़ता है, क्या करें बॉस। तो मैंने आज बना तो लिया है, अब देखते हैं जब सबको टेस्ट करवाएंगे तब क्या होता है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। बिना ड्राई फ्रूट्स के हलवा थोड़ी ना होता है बॉस, है ना। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और थोड़ा सा घी और डाल दूंगी ऊपर से, ताकि अच्छा लगे, टेस्टी लगे, है ना, बस। और एकदम अच्छा सा हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, पास से भी दिखाऊंगी। भी बोलते ना यार बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो मैं बाहर का वैसे भी नहीं खा रही, क्रेविंग्स भी नहीं हो रही, तो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी होने वाला है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सबका रिएक्शन देखूंगी, क्या बोलेंगे सब खा के, है ना। यहाँ पे मैंने काजू तो डाल दिए, अब डालती हूँ किशमिश। और हाँ, क्या डिस्कस करने वाले थे आज हम हमारी एज के बारे में, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि प्लीज़ किसी को भी जज उसके मोटापे को या फिर उसको लेके मत किया करो यार, क्योंकि हमारे में ना शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। तो अगर शादियाँ जल्दी हो जाती हैं फिर बच्चे भी वैसे ही होते हैं जल्दी, और फिर हम लेडीज होती हैं तो वैसे भी मोटी हो जाती हैं जी। तो ये यहाँ पे बन रहा है, तब तक अब हम थोड़ी देर कर लेते हैं हमारी बातें। और बहुत लोगों के ये मन में है कि दीदी आपको क्रेविंग्स किस चीज़ की ज़्यादा होती है, है ना। तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे क्रेविंग्स मीठा भी थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट पसंद है, और स्टार्टिंग में मुझे 3 मंथ्स तक ना तीखा बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, मेरे अंदर से जलन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर मैं नहीं तीखा नहीं लेती हूँ, तीखा कम लेती हूँ, बट मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन यार सर्दियों के टाइम में गाजर का हलवा ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो गाजर का हलवा ऐसे ही देखा था एक दिन, सर्च करते करते आ गया, और मुझे ऐसे लगा कि यार गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा है। फिर आपने देखा होगा इसके पहले भी ब्लॉग में कि शबनम लेके आई थी, और मैंने मम्मी को घर वालों को बोला, तो उन्होंने भी यही है कि यार तो यहाँ आएगी तब हम बना के देंगे। और मेरा ये है कि गाँव तो अब कब जाऊँगी, जब जाऊँगी तब बना के खाऊँगी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं मेरे एज की। वैसे तो कहा गया है कि आदमी लोगों को अपने पैसे, मतलब अपने कमाई कितनी होती है वो, और लेडीज़ को कभी भी अपना जो एज होती है वो नहीं बतानी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें हाइड की हुई अच्छी होती है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा आप किसी को जज कर लेते हो किसी को मोटापे को लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 21 साल की थी, और आज मेरी शादी को इस बार पूरे 11 साल कम्प्लीट हुए हैं। तो अब आप लोग खुद बता दो मेरी एज कितनी थी, ठीक है, कितनी अभी है। अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, 21 साल की फिक्स 21 हुई भी नहीं थी, मतलब 21 में जस्ट पैर रखा था मैंने, अगस्त में 21 में पैर रखा था, और दिसंबर में मेरी शादी हो गई थी। तो ये है, अब आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में खुद बताओ कि मेरी एज कितनी हो गई। और रही बात एज की, तो यार मुझे से लगता है 32, 33, 34, 35, अब तो 35 तक तो लोग शादियाँ करते हैं यार, और मुझे लगता है 35 से पहले पहले ही मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे। मेरा बेटा जो है वो 10 साल का है ऑलरेडी, और जो अब बेबी होने वाला है वो जो ये बेबी, जब मैं 35 की होंगी तब तक 2-3 साल का तो पक्का पक्का हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे भी किसी को जज मत किया करो, किसी के इतने अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं ना, और दुख होता है कि एक लेडी ही लेडी की दुश्मन बनी बैठी है, इतने कुछ भी उठ के कमेंट्स करते हो, समझ में आता है। बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि हाँ यार जलन से है, बट क्यों किसी से जलना है यार, आप लोग भी मेहनत करो,
यूट्यूब ब्लॉग जो ऐसा है ना, हम कोई भी घरेलू लेडीज़ हैं, मैं भी पर्टिकुलर घरेलू हूँ, ऐसा नहीं है बाहर घूमती हूँ, हाई फाई हूँ, बहुत नहीं है ऐसा, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत ग्राउंड टच हूँ, और जो रीति रिवाज होते हैं वो सारी चीज़ें मुझे फॉलो करनी बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको मेरा पूरा दिन रूटीन दिखाऊंगी, तो आप बोलोगे वाह, मतलब मैं ये हूँ कि मेरी ननद ने बोल दिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाली पूजा करनी चाहिए, ओके डन, ये वाली चीज़ खानी चाहिए, ओके डन, ये करना चाहिए, ओके डन, मतलब ऐसी रहती हूँ। और ये वाली प्रेगनेंसी नहीं, मैंने हेमंत का टाइम भी ऐसे ही किया था। आप मानो मैं ना तो कोई मूवी देखती हूँ, ना मैं कुछ बाहर का खाती हूँ, ना मैं कुछ, जबकि मैं थम्सअप इतना पीती थी, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारी की सारी। नहीं बाबा, मुझे 9 मंथ्स अच्छा सोचना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा बोलना है, ये चीज़ें होती है। और मैं अगर YouTube पे वीडियोस भी देखती हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही देखती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस मंथ को क्या करना चाहिए, उस मंथ में क्या करना चाहिए, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है देखने को। तो इस वे में ही मेरा दिन निकल जाता है, फिर जो मेरा कामकाज होता है वो काम करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, तो मैं नहीं कर पाई थी, बट अब क्या है कि मेरा ऐसे रहता है कि मैं थोड़ी सी एक्टिव रहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तबीयत तो उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा, ये पीरियड ही ऐसा होता है। और कुछ दिन बाद मेरी मम्मी, मेरी अम्मा, ये लोग आ जाएंगे, तो इन लोगों का जो केयर होगा, जो पैम्पर होगा, वो और भी प्यारा होगा। और अभी जेठू जी और हेमंत वैसे भी कर ही रहे हैं। और रही बात, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप गायों को मत देने जाओ रोटियां, तो बिल्कुल अब मैंने रोटियां देनी बंद कर दी है, मैं हाथ लगा के दे देती हूँ राम सिंह भैया को गुड़ और रोटी, वो दे के आ जाते हैं। क्योंकि मुझे कमेंट्स आया था कि दीदी उनके नून में कोई लेडी गाय को गुड़ देने गई थी और गाय ने उनको धक्का मार दिया, तो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इतना ज़्यादा कंसर्न करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और फिर मुझे बोला गया है कि दीदी चिक्कू मत खाओ, तो मैंने वो स्किप कर दी है, मैंने चिक्कू खाना छोड़ दिया है, नहीं खा रही हूँ चिक्कू। मतलब मैं भी यही चाहती हूँ ना कि जो मुझे जो गाइड करता है ना, मैं सारी चीज़ें सुनने को रेडी होती हूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं है मैं जो भी बोलूँगा सारी चीज़ें सही हो, मैं भी गलती कर सकती हूँ ना, तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो। तो चलिए, हम यहाँ पर बता दिया है मैंने मेरी उम्र, अब जो पर्टिकुलर है वो आप मुझे बताओगे। और यहाँ पे हमारा हलवा हो गया है, हलवा होने के बाद मैं कपड़े वपड़े लेने हैं मुझे, जो जो सूखे हैं, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ेगा हेमंत आते ही, है ना, तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, बट अभी हम इसी को करते हैं। ये देखो कितना अच्छा वाला मेरा हलवा हो गया है, ए मेरा हलवा, ये देखो, देख रहे हो मतलब कितना शानदार वाला आ रहा है ना। तो पहले मैं लाले को खिलाऊंगी, फिर जेठू जी आ चुके हैं घर, उनके लिए बनाऊंगी, और अब मैं बनाऊंगी, उसके बाद क्या बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट ये हलवा मेरा बनके रेडी हो गया है, डन, थोड़ा सा और इसको पकने दूंगी, तब तक घी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप इसमें ऊपर से और घी भी डाल सकते हो, मैंने वैसे भी बहुत सारा घी डाला हुआ है, तो फिर मैंने और ऊपर से नहीं डाला इसको, अब मैं ऐसे ही इसको पकाती रहूँगी। बनके रेडी हो गया है और अब आने वाला है हेमंत, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ बताए, उसका और मेरा ऑलमोस्ट सेम खाना होता है। ये पनीर की भुज्जी है, ठीक है, और सर्दियों का टाइम है तो बच्चे को पालक खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मैं पालक की ही रोटी बना लेती हूँ। मतलब इसके अंदर ना पालक का वो करके फिर आटा लगा लेती हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया है और वो भी यही खाएगा, क्योंकि होता है ना, हम पेरेंट्स अगर अच्छा खाना खाएंगे ना हमारे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी हेल्दी ही खाते हैं। तो वैसे भी मेरा हेमंत थोड़ा स्पोर्ट्स में है, तो वो मैं उसको बाहर का ना के बराबर खाना खिलाती हूँ, ना के बराबर, कभी बाहर का नहीं खिलाती, कोशिश ही करती हूँ कि मैं उसको हेल्दी 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 फूड खिलाऊँ, तो हेल्दी फूड ही बनाती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ हलवा, जो कि सबसे पहले खाएंगे हमारे कान्हा जी, तो चलिए इनको खिला के, फिर जेठू जी आ गए हैं, वो रूम में हैं, फिर उनको हम ये खिला के आते हैं, है ना, पहले कान्हा जी को खिलाएंगे फिर। ये हो गया है मेरा हलवा रेडी, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है। अब मैं आपके जीजू को उन सबको भी खिलाऊंगी, खिला के पूछती हूँ कैसा लग रहा है। मेरा बेटा भी आ गया है, तो मंदिर में कैसा बनाए कहते अच्छा बता दो कैसा बना है, मैं थोड़ी सी लेट छूट गई हूं। बढ़िया बढ़िया, हेमंत कैसा बना है, सुपर बना ना। तो यहाँ पे सबके लिए अलग 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 रखा हुआ है, ठीक है, जेठू जी के लिए भी है और ये थोड़ा सा मेरे लिए और रख दिया मैंने। कैसा बना है, अच्छा बना लिया, मैं कुक अच्छी हूँ ना। हेमंत क्या देख रहा है इसे, हेमंत वहाँ खा रहा है, जेठू जी यहाँ खा रहे हैं। सो ये वाला व्लॉग ही एंड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा कोरियर आया है, बहुत सारी ड्रेसेस आई है, तो अभी मैं कोई ड्रेस पहनूंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, बट कहाँ जाऊँगी वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी मैं पहनूंगी ये वाली ड्रेस, ये वाली ड्रेस इसलिए पहनूंगी कि मेरे नेल्स थोड़े थोड़े सिमिलर हो जाएंगे, तो अब मैं तैयार होंगी, तैयार होकर जाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ ये वाला
कोई भी अगर बनाओ घर पे ऐसा वाला हलवा तो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को, वो भी बताना। और इतना टेस्टी बना है, आई स्वेयर इतना टेस्टी कि आप लोग दिल खुश हो जाओगे। कोई नहीं बोलेगा कि मैंने उस वे में नहीं बनाया, मैंने इस वे में बनाया है, कोई नहीं बोल पाएगा। और कितना मेहनत लगता है ना, घसना, ये करना, वो करना, वो सारी चीज़ें एक तरफ है और शॉर्टकट में ये हलवा बनता है। सो गाइज ज़रूर बनाना, सर्दियों के मज़े लेना, लुफ्त लेना। ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वाला व्लॉग भी देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं अर्जेंटली, कि मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो खूब सारा प्यार देना।